अस्सलाम वालेकुम, मैं सबिया हुसैन शेख, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे महानगर पालिका ने मुमरा के कालसेकर हॉस्पिटल को COVID-19 यानी कोरोना पेशेंट का इलाज करने का आदेश दिया, जिसके बाद यहां डायलिसिस के पेशेंट जो अपनी डायलिसिस कालसेकर में करवाते हैं उन पेशेंट ने नाराजगी जताई है। इस पूरे मामले में इन डायलिसिस मरीज का क्या कहना है, आप सुनिए। मेरा नाम समीम अहमद शेख है मैम। और क्या हुआ ये कालसेकर हॉस्पिटल जो आप डायलिसिस के लिए 105 पेशेंट निहायती परेशानी हाल दौर से गुजर रहे हैं। कालसेकर में हम लोग का डायलिसिस होता था, अच्छा हॉस्पिटल है, बहुत कॉपरेट था, कोई तकलीफ नहीं थी हमको। लेकिन अब हॉस्पिटल का भी कोई दोष नहीं, TMC ने, अजीज भाई TMC ने उनको दे दिया है नोटिस कि सिर्फ COVID-19 का अब यहाँ पे इलाज होगा, जो कि अभी COVID-19 का कोई पेशेंट नहीं आया, पर 105 पेशेंट की जान लाले पे खड़ी हो गई है ये नोटिस आते ही। हम लोग ये जानना चाहते हैं, TMC ने नोटिस दिया, बहुत अच्छी बात है, COVID-19 का भी इलाज होना चाहिए, वो भी हमारे भाई बहन। जिस तरह आप कालसेकर हॉस्पिटल के बारे में बता रहे हो, कालसेकर हॉस्पिटल ने जब बोला था कि यहाँ पे COVID-19 का भी इलाज होगा और जो नॉर्मल जिस तरीके से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका भी इलाज किया जाएगा, अब ये क्या किस बारे में आप ये बता रहे हो कि यहाँ पे क्या तुम्हारा इलाज नहीं हो पा रहा है? अब उनकी प्रॉब्लम हो जाए, अब उन्होंने ये कह दिया है COVID-19 के साथ डायलिसिस नहीं होगा, ये हम लोग को बता दिया गया है। और शायद कराना भी नहीं चाहिए, क्योंकि COVID-19 के साथ डायलिसिस पेशेंट अगर रहेगा तो उसको दिक्कत भी बहुत बड़ी होगी। तो डायलिसिस का जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये लोग ये नहीं इलाज करना चाहते कालसेकर, तो आप लोगों का इलाज कहीं तो करने का उन लोगों ने बयान किया, शिफ्टिंग दे रहे हैं थाना और डोंबिवली कटाईना का, लेकिन आने जाने में हमारे लिए बहुत दिक्कत है, ट्रैवलिंग का कोई साधन नहीं है हमारे पास, और कुछ पेशेंट तो ऐसे हैं जो शायद अपने पैर पे चल के भी नहीं जा पाएंगे, जाते जाते या तो आधे रास्ते में गुजर जाएंगे या आते आते गुजर जाएंगे, क्योंकि कटाई नाके पे जाने के लिए आज रोड बंद है, तो आदमी 10 मिनट में आधे घंटे पहुँचेगा, लेकिन जिस दिन रोड चालू हो जाएगा 4 घंटा जाने में लग जाएगा, 4 घंटा डायलिसिस में लग जाएगा और 4 घंटा आने में ही लग जाएगा। और डायलिसिस पेशेंट डायलिसिस कराने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट में उसको आराम चाहिए ताकि वो रिलैक्स हो सके, ट्रैवलिंग नहीं कर सकता, दो घंटा तीन घंटा ट्रैवलिंग करने का मतलब उससे जान को लाला। इसलिए हम लोग TMC से हमारी मांग है ये ऑर्डर कैंसिल करें और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा डायलिसिस हमारे साथियों का कालसेकर में हो तो हमारे लिए बेहतर है, हमारे साथियों के लिए भी बेहतर, और यहाँ के नगर सेवक आमदार खासदार जो भी हैं उनसे हमारी खास रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए सोचें, नहीं तो हम लोग 10 दिन में कम से कम 10-5% हमारे साथी हमारा साथ छोड़ दें। जो हम लोगों के साथ हुआ है उसके लिए हमको ऐसा हल चाहिए कि हम लोगों को वापस जमा होने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये 3-4 महीने की बात है, उसके बाद बारिश होने वाली है और बारिश में भी हम लोगों को ज़्यादा परेशानी, यहाँ के यहाँ आने के लिए ज़्यादा परेशानी रहती है, तो अगर फिर डोंबिवली और थाना में जाना होगा तो कैसे जाएंगे हम लोग, तो उसका हम लोगों को पूरा प्रॉपर हल चाहिए। सिर्फ आज बात कर दिए कल का इंतज़ाम हो गया वैसा नहीं, ये जो 3-4 महीने हैं उसके लिए हम लोगों को एक साथ कुछ ऐसा हल दिया जाए कि इस तरह हम लोगों को जमा होने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपका नाम क्या और आप क्या कहना? मेरा नाम शेख जमालुद्दीन है, मैं यहाँ का पेशेंट हूँ, 4 साल से मेरी डायलिसिस हो रही है। यहाँ पे क्या मालूम है कि ये जो डायलिसिस हो रही है ये हम लोग 110 या 5 पेशेंट हैं, इनकी हमारी ज़िंदगी यहीं पे हम आते हैं और हमारी डायलिसिस होती है, सुबह से लेके 12 बजे रात तक होती है। अभी कैसा मालूम है ये लोग चाहें अगर यह चाहें तो यहाँ दूसरी बिल्डिंग ये लोग शिफ्ट कर सकते हैं। आपने सुना इनका कहना है हमें कालसेकर के अलावा कहीं नहीं जाना है, इनका कहना है हमें मुमरा से दूर डोंबिवली और ठाणे जाने में काफी तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम एम्बुलेंस के पैसे दे। वहीं इस मामले में कालसेकर हॉस्पिटल की CO आफरीन सौदागर ने क्या बताया है, आप सुनिए। मैम, बाहर जो पेशेंट खड़े हैं उन लोगों का कहना है कि हम बाहर जाके अपना इलाज नहीं करेंगे, तो इस पर आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो 29 तारीख की शाम में हमको सर्कुलर आया है थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से कि कालसेकर हॉस्पिटल को कोविड पॉजिटिव सिम्टोमेटिक हॉस्पिटल करना है, इसका मतलब ये होता है कि जो कोरोना की टेस्ट करने के बाद पेशेंट पॉजिटिव आता है और जिनको तकलीफ़ है जैसे खांसी है, बुखार है या दम लग रहा है या जिनको
आईसीयू की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स का इलाज जो है वो 30 तारीख से अपने को कालसेकर हॉस्पिटल में करना था, बट हालांकि आप जानते हैं कि हमारे पास महात्मा ज्योतिबा फुले की योजना चल रही है जिसके अंडर तकरीबन 108 डायलिसिस के पेशेंट्स यहाँ पर रेगुलरली ट्रीटमेंट करवाते हैं। अभी वो पेशेंट सुबह से हमारे पास आए हुए हैं, उनका ये कंसर्न है, तकरीबन 6 दिन से ये बात चल ही रही है कि वो पेशेंट्स का इलाज कहाँ होगा। अब वो पेशेंट्स का इलाज हम कालसेकर में इसलिए नहीं कर सकते हैं, उसकी दो वजह है कि TMC की तरफ से क्लियरली ऑर्डर आया हुआ है कि सिर्फ आप पॉजिटिव पेशेंट सिम्टमेटिक वाले ही कालसेकर हॉस्पिटल में लेंगे। दूसरा, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो डायलिसिस के पेशेंट्स रहते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत कम रहती है। जब हमारे पास कालसेकर में पॉजिटिव पेशेंट है, अल्लाह ना करे उस वक्त हम अगर डायलिसिस के पेशेंट्स लेते हैं और वो कोविड पॉजिटिव में टर्न हो जाएंगे तो पूरे 105 पेशेंट्स कोविड पॉजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि ये लोग रोटेशन में डायलिसिस साइकिल्स में जाते हैं। ये सब को देखते हुए TMC ने ये डिक्लेयर किया था कि सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट्स ही कालसेकर हॉस्पिटल में रहेंगे। जहाँ तक हमें ये 5-6 दिन का वक्त मिला था, उस वक्त में हमने साई हॉस्पिटल डोंबिवली का, वहाँ पर भी ये योजना चलती है, उनसे बात की है, उनके पास 5 मशीन है और वो लोग भी फ्री में ये वहाँ पर डायलिसिस करने तैयार हैं। उसके साथ साथ डॉक्टर केंद्रे जो हैं और TMC के, सर से बात हो चुकी है, सर ने उनका अरेंजमेंट घानेकर में भी किया है। तो जैसे अपना पर दिन जो है 30-36 पेशेंट्स का डायलिसिस कालसेकर में होता है, तो अगर आप यहाँ 5 और वहाँ 5 मशीन्स की बात करते हैं तो 40 पेशेंट्स का इलाज पर दिन घानेकर और साई हॉस्पिटल में हो सकता है। अभी इस पे पेशेंट्स का कंसर्न ऐसा है कि ये यहाँ से वहाँ जाएंगे कैसे, उनका ट्रैवलिंग कैसे होगा, काफ़ी पेशेंट्स उम्र वाले हैं, उनके साथ कोई रहता नहीं है, वो अकेले जा सकते हैं। तो जो केंद्रे साहब हैं उन्होंने बोला है कि उनको एम्बुलेंस का अरेंजमेंट वो करके देंगे। जो साई हॉस्पिटल है उनसे भी बात हुई है, वो 2-4 लोगों से बात कर रहे हैं कि यहाँ से या तो बस का या तो ऑटो का कोई अरेंजमेंट हो जाए जिसकी बदौलत वो लोग वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो आपने सुना CO ने क्या कहा, उनका कहना है हमारी बात थाने म्युनिसिपल अधिकारियों से चल रही है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन डायलिसिस पेशेंट को कोई परेशानी ना हो। साथ ही उनका ये भी कहना है मुमरा के इन पेशेंट को आने जाने के लिए बस या एम्बुलेंस मुहैया कराई जाएगी। इसकी बात ठानेकर और साई हॉस्पिटल में चल रही है। तो तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।